Hello YouTube family. Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel My Tiny Space. So friends, जैसा कि आपको पता है कि जर्नी में काफी टाइम से लॉकडाउन चल रहा है और लॉन्ग डिस्टेंसेस के ट्रैवल अलाउ नहीं है. सो हमने यहाँ जर्मनी में अपनी ही सिटी के आसपास का एक छोटा सा डे ट्रिप प्लान किया है और आई होप आप सभी को ये ट्रिप अच्छा लगे. हम आपको आसपास की जगह दिखाएंगे. पहले आप स्टोरी तो बता दो जो कल रात हुई डे ट्रिप की. यस, तो स्टोरी बिहाइंड द ट्रिप ये रही. मानो यार वीकेंड आ रहा है, बाहर चलते हैं कहीं. बाहर चलते हैं मतलब घूम आते हैं कहीं. 4 महीने हो गए अंदर बैठे. यार घूमने की बात कर रही हो? हाँ यार घूमने का तुम्हें पता है ना, लॉकडाउन चल रहा है, होटल्स बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है. यार लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जाना, ऐसे हम चलते हैं कहीं डे ट्रिप मारते हैं 4-5 घंटे का. आसपास कोई जगह है फ्रैंकफर्ट के? फ्रैंकफर्ट के आसपास सोचना पड़ेगा. लगाओ अपना दिमाग, दौड़ाओ दिमाग के घोड़े. घोड़े क्यों दौड़ाने, जाएंगे तो ट्रेन में जाएंगे ना. यार जोक मत मारो प्लीज. सोचो है आसपास कोई जगह जहाँ जा सके. हाँ एक दो जगह हैं जो हमने नहीं देखी हैं. और पर ये जाए कि देखना पड़ेगा कि कितने टाइम में वापस आ सकते हैं, क्योंकि नाइट स्टे की प्रॉब्लम है ना आजकल. नाइट स्टे नहीं करना, मैं बोलूँ 4-5 घंटे चलेंगे. हाँ चलो देखते हैं, एक दो जगह हैं. कनेक्टिविटी वगैरह चेक करनी पड़ेगी कि कैसी ट्रेन वगैरह कहाँ जाती है, कब कब जाती है. हाँ देखो, क्योंकि 4 महीनों में तो यहाँ पागल हो गए अंदर बैठे. पागल का मतलब जंगल में थोड़ी चल पड़ेंगे उठ के. आप जंगल ही ले चलो मुझे, बट ले चलो तो बस. जंगलों में जाना पड़ेगा. हाँ बस ले चलो. चलो चलते हैं, देखते हैं, करता हूँ प्लान, कुछ देखता हूँ नेट वगैरह पे चेक करो. चलो होगी अब स्टोरी, चले. चलो अब किस बात का वेट है. सो फ्रेंड्स लेट्स गो. तो फ्रेंड्स हमने ये टिकट ले ली है. जिस एरिया में हम जा रहे हैं फेल्डबर्ग, वहाँ पे 17 यूरो की टिकट पड़ी हमें ये, और ये उस सारे एरिया को कवर करेगी. मतलब कोई भी ट्रेन कोई भी बस उस एरिया में हम ले सकते हैं, वो सब इस टिकट के अंडर कवर्ड है. स्टॉप पीछे पहुंच गए हैं फेल्डबर्ग के. ऑलमोस्ट ये फेल्डबर्ग ही है, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट है. बट हमें ऊपर तक जाने के लिए एक बस की जर्नी और करनी पड़ेगी. सो हम अभी बस का वेट कर रहे हैं. और ये फेल्डबर्ग का जो एरिया है ये पहाड़ी इलाका है थोड़ा, तो यहाँ पे हो जरा देखो. देखिए फ्रेंड्स ऊपर को थोड़ा पहाड़ी इलाका है. बट तो जैसा हमने रात को बोला था कि जंगलों में जाना पड़ेगा, तो मुझे तो जंगल ही नजर आ रहे हैं. नॉर्मली आपने सुना होगा कि यूरोप में जो ट्रेन का जर्नी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, व्यू बहुत अच्छे आते हैं, सीनरी बहुत अच्छी लगती है. बट हमें बस में बैठ के भी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हम कोई सीनरी या कुछ व्यू मिस कर रहे हैं. यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही व्यू है. आपको दिख रहा होगा कि यहाँ की खिड़कियाँ काफ़ी ब्रॉड हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है बस में बैठ. जो पेड़ हैं ये कुछ जैसे आप शिमला कसौली इस साइड जाते हैं आपको देवदार के पेड़ दिखते हैं, तो कुछ कुछ वैसे ही पेड़ हैं. आई थिंक एग्जैक्टली देवदार तो नहीं बोलते होंगे इनको, बट सिमिलर टाइप के पेड़ हैं इधर. सो फ्रेंड्स फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और सामने का व्यू देख के तो काफ़ी रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है. सामने विंड मिल्स भी दिख रही हैं.
एरिया है फेल्डवर्क का जहाँ पे हम पहुँचे हैं, ये यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। आपको पीछे काफ़ी दूर दूर तक काफ़ी खुला एरिया दिख रहा होगा, और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं थोड़े ट्रैकिंग करने, यहाँ पे घूमने आते हैं, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं। सो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, नॉर्मल सिटी वाली लाइफ से एकदम थोड़ा शांत जगह पे ज़्यादा आके। अच्छे इसलिए लग रहा है क्योंकि हम बड़े दिनों बाद बाहर निकले हैं और काफ़ी एक तरह से खुला सा एरिया है, सिटी से काफ़ी अलग, और शांत एकदम। व्यूज़ आप काफ़ी अच्छे देख सकते हैं यहाँ से। तो ये जो सामने कुछ लोग आपको दिख रहे हैं, ये एक तरह से व्यू पॉइंट है। यहाँ से काफ़ी मतलब चारों तरफ जो सीन है, माउंटेन्स हैं, शहर होंगे कुछ, उनका व्यू आता है। तो अब हम भी चल पड़े हैं उसी फोटो पॉइंट की तरफ, जाते हैं वहाँ ऊपर, कुछ फोटो सेशन वगैरह करेंगे और देखते हैं वहाँ पे कैसे फोटो आते हैं, क्योंकि बिना फोटो सेशन के किसी भी जगह से आना मतलब वहाँ नहीं गए, इसी के बराबर है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। यहाँ मौसम इतना ठंडा हो गया है ना अब कि कॉफ़ी का एक एक सिप लेना ही पड़ेगा, और भूख भी लग पड़ी है। सिप मतलब कॉफ़ी पीनी कॉफी हाँ, कॉफ़ी का एक एक कप लेना ही पड़ेगा, और थोड़ा खाना भी देखते हैं। वैसे तो हम पैक करके लाए हैं, बट देखते हैं कुछ यहाँ का कुछ स्पेशलिटी हो जो हमें मिल जाए। एक्सपीरियंस था वन डे ट्रिप का, ये काफ़ी अच्छा था। यहाँ काफ़ी अच्छी प्लेसेस हैं, आप काफ़ी दूर दूर तक वांडर कर सकते हो, और इसके अलावा यहाँ एक तरह से पिकनिक वाली फीलिंग आती है। काफ़ी ज़्यादा फोटो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और लोग ट्रैकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और यहाँ ऐसा है कि आपको टेंशन नहीं होती कि यहाँ ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक कैसे पहुँचना है। यहाँ एक प्रॉपर बस आपको बिल्कुल टॉप तक छोड़ के आती है, और वही बस दोबारा वापस भी लेके जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बच्चों के साथ हैं और आपके पास गाड़ी नहीं है, तो भी ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है कि आपको ऊपर तक पैदल चलना पड़ेगा, तो बस बिल्कुल टॉप पॉइंट तक आपको लेके आएगी, और उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना वॉक करना चाहते हैं। ट्रैकिंग ट्रेल्स यहाँ पे बनी हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ हो सकती हैं। फोटो पॉइंट्स तो नेचुरली काफ़ी पॉपुलर रहते हैं लोगों के बीच में, तो ओवरऑल काफ़ी मतलब एक तरह से रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस आप यहाँ ले सकते हैं, तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी रिफ़्रेश हो जाता है यहाँ के माइंड इंसान का। और हम जैसे कि मुझे तो 7-8 साल हो गए फ्रैंकफर्ट में, बट हमने कभी ये जगह एक्सप्लोर नहीं की थी। मेरे को भी ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, बट ये काफ़ी अच्छी प्लेस है, आई थिंक आप यहाँ विजिट कर सकते हो।
सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसे लगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। बाय बाय।